नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस जानेंगे। बैंक निफ्टी जो है शॉर्ट टर्म में किस तरह से मोमेंटम कर सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या मोमेंटम हो सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। अब देखिए, सबसे पहले हम डेली चार्ट लगाए हुए हैं। डेली चार्ट पे बात करें तो बैंक निफ्टी जो है एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन के पास है। ये सप्लाई जोन है जो कि पहले भी मैंने बोला था, अगर ये 36,100 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो बुलिश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आज क्लोजिंग हुआ है 35,972 पे, तो अभी भी हम इस सप्लाई जोन को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। जैसे बैंक निफ्टी इस सप्लाई जोन को क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पर बुलिश हो जाएगा बैंक निफ्टी। और वहीं डिमांड जोन की बात करें तो वो काफ़ी नीचे है, तो अभी फिलहाल जो है बैंक निफ्टी वो सप्लाई जोन के पास है। और साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पर, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है फिर बैंक निफ्टी यहाँ पर इस डिमांड जोन के पास आ सकता है, जो कि है 32,500 के बीच का लेवल। वही बात करें ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है और यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा वो देखिए ये ट्रेंड लाइन है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ये बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है, इसको ब्रेक करे फिर रिटेस्ट करे, तो फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगा। तो इस सप्लाई जोन को क्रॉस करे, फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, ट्रेंड लाइन को फिर रिटेस्ट करे ब्रेकआउट के बाद, तो फिर हम पूरी तरह से बैंक निफ्टी में बुलिश हो जाएंगे। वहीं पर यहाँ पर नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन है। अगर ये नीचे वाले ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और इस डिमांड जोन को ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी पूरी तरह से बेरिश हो जाएगा। ऐसे में अभी रिसेंट प्राइस मोमेंटम की बात करें तो वो पूरी तरह से बुलिश है, क्योंकि यहाँ पर जो लगातार कैंडल बना है वो हाइयर हाई बन रहा है। आज थोड़ा सा कैंडल रेड बना है, लेकिन ये गैप अप ओपन हुआ था। जब तक ये गैप फिल नहीं हो जाता तब तक बैंक निफ्टी का जो प्राइस का मूवमेंट का अभी सेंटिमेंट है वो पूरी तरह से बुलिश है। अब वही बात करें यहाँ पर 50 मिनट चार्ट पर जो इंटरडे लेवल्स है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये डिमांड जोन है, और वहीं पर बात करें तो ये ऊपर जो है ये सप्लाई जोन है। तो अभी जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो सप्लाई और डिमांड जोन के बीच ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पर जो गैप क्रिएट हुआ था कल, ये गैप फिल हो सकता है और बैंक निफ्टी यहाँ तक इस डिमांड जोन को फिर से रिटेस्ट कर सकता है। अगर इस डिमांड जोन को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो फिर यहाँ पर सेल करेंगे, और अगर यहाँ पर कोई प्राइस मूवमेंट बनता है और इसको ब्रेकआउट होने के बाद हम इसको यहाँ पर बाय करेंगे। तो बैंक निफ्टी बाय तब होगा जब इस लेवल को क्रॉस करेगा, जो कि 36,100 के ऊपर सस्टेन कर जाए और 36,200 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे। फिर वहीं अगर इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि है 35,700 के लेवल को क्रॉस करेगा नीचे, तो हम इसको सेल करेंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए दोनों लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक बैंक निफ्टी 35,700 से और 36,200 के बीच ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मुख्य जो ट्रेड मिलेगा वो हमें 36,200 के ऊपर बाय ट्रेड मिलेगा, और यहाँ पर 35,700 के नीचे हमें सेल ट्रेड मिलेगा। और अगर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप हो जाता है तो उसके अनुसार आप कल ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था ब्रीफ में बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंटरडे में आप कहाँ पर बाय करेंगे, कहाँ पर सेल करेंगे, साथ ही साथ जो स्विंग ट्रेडिंग है या कहें जो मार्केट का सेंटिमेंट है बैंक निफ्टी के लिए, वो कब बुलिश होगा कब बेयरिश होगा डेली चार्ट पर। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस तरह के बेहतरीन एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।